विदाउट एक सिरमाल बनाने के लिए एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल में 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड करते हैं, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 पिंच नमक, 1 चम्मच सूजी, 1 कप गुनगुना दूध। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पाँच सौ ग्राम मैदा डालकर थोड़ा थोड़ा एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। तीस ग्राम बटर, 1/2 कप में बटर को हमने बाद में यूज़ किया है। बाद में बटर यूज़ करने से सिरमाल बहुत अच्छा बनता है। सिरमाल का डो बनाकर तैयार कर लिया है। 2 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं सेट होने के लिए। दो घंटे हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। आटे को मिक्स कर लेते हैं हाथ से। आटे से बॉल काटकर पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बनाकर तैयार कर लिया, सूखा आटा लगाकर बेल लेते हैं। माल को बेल कर तैयार कर लिया है। बहुत मीठा नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे। कांटे से छेद कर लेते हैं इस तरह से। केवड़ा वाटर में फूड कलर बनाकर तैयार कर लिया है। सिरमाल में अप्लाई करते हैं। सिरमाल में येलो कलर लगाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे सिरमाल बनाकर तैयार कर लेंगे। पैन गर्म हो गया, सिरमाल ऐड करते हैं। ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पे सेक लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, दूसरी तरफ पलट कर सेक लेते हैं। 5 मिनट तक ढककर सिरमाल को पलट कर दूसरी तरफ 2 मिनट तक सेक लेते हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। सिरमाल बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरह सभी सिरमाल बनाकर तैयार करेंगे। डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी येलो कलर की सिरमाल बनकर तैयार है। सिरमाल खाने में बहुत जायकेदार है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, वो बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप भी बनाएं, खाएं, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सफीना खान को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। केवड़ा वाटर में ऑरेंज कलर तैयार कर लिया है। सिरमाल में ऐड करते हैं। सिरमाल में लगा लेते हैं।
इसी तरह से सभी सिरमाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। पैन गर्म हो गया है, सिरमाल को धीमी आंच पर सेक लेते हैं। ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट तक सेक लेते हैं। सिरमाल को पलट लेते हैं, 5 मिनट तक सेक लेते हैं। ढककर दो मिनट के लिए सेक लेते हैं। सिरमाल बहुत अच्छे से बेक हो गई है, बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी सिरमाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच बटर, एक चम्मच शुगर पाउडर को मिक्स कर लिया है। सिरमाल पे अप्लाई करते हैं। इसे सिरमाल में टेस्ट अच्छा आता है, सॉफ्ट होता है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी एक ग्लास सिरमाल बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। केड़ा वाटर में ऑरेंज कलर मिलाकर तैयार कर लिया है। सिरमाल में ऐड करते हैं। सिरमाल को हम दो कलर में तैयार करेंगे। किनारे ऑरेंज कलर लगाएंगे, बीच में ग्रीन कलर, इसलिए हमने डब्बा रख लिया है। डब्बे को हटा देते हैं, ग्रीन कलर लगा लेते हैं। इस तरह से दो कलर में सिरमाल का अच्छा लुक आता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। सभी सिरमाल बनाकर तैयार कर लेंगे। सिरमाल ऐड करते हैं। सिरमाल को धीमी आंच पे 5 मिनट तक ढककर सेक लेते हैं। सिरमाल को पलट कर दूसरी तरफ 5 मिनट तक ढककर सेक लेते हैं। सिरमाल को पलट लेते हैं, 2 मिनट तक सेक लेते हैं। सिरमाल बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से सिक गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी सिरमाल बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही जायकेदार, लाजवाब सिरमाल बनकर तैयार है। रंग बिरंगी सिरमाल खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि एक बार बनाकर खाएंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। सिरमाल को आप भी बनाएं, खाएं, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सफीना खान को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।